बाराबंकी के जेठपानी में जेसीबी से दबकर हुई अशोक की मौत के बाद गुस्साए परिजन। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई न करने से पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। शव रखकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने किसी तरह से मामले को हल कराया। बाराबंकी के नगर पंचायत बेलहरा में गरीब परिवारों को बांटे गए 800 कंबल। वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक की धर्मपत्नी कीर्ति सिंह रही उपस्थित। सैकड़ों लोग हुए शामिल। सुल्तानपुर के मॉडल प्राथमिक विद्यालय वैधहा में प्रधान अध्यापिका विवाद में ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी न होने से प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने शुरू किया धरना। मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सुल्तानपुर में जाम की समस्या एक बार फिर बनी सिर दर्द। घंटों तक लगने वाले जाम को लेकर यातायात महकमे के पास कोई प्लान नहीं। नगरवासियों का जीना हुआ दुर्भर, अधिकारी बने मूकदर्शक। सुल्तानपुर के गोलाघाट पर बने पुराने गोमती पुल से दृष्टिहीन युवक भटक कर नदी में गिरा। आसपास के लोगों ने लगाई गुहार, कुछ युवकों ने नदी में कूद कर बचाया। लोगों की भीड़ लगी। सुल्तानपुर में नववर्ष को लेकर मंदिरों में भगवान के दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। डाकखाने स्थित पंचमुखी मंदिर में जमा हुए श्रद्धालु, लोगों ने मन्नत मांगी। बाराबंकी के कोठी थाने के इनायतपुर में 30 वर्षीय महिला सलोनी की खल में फांसी के फंदे से संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। मृतक का पति पुलिस विभाग में तैनात था और कुंभ मेले में उसकी ड्यूटी लगी थी। लाश को पुलिस ने भेजा पोस्टमार्टम के लिए, जांच शुरू की। अमेठी के तिलोई में भाजपा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सैकड़ों लोग रहे मौजूद। रायबरेली के थाना गुरुबख्शगंज के पहाड़पुर में 40 वर्षीय महिला बिट्टो का शव घर में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, किया रोड जाम, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। अमेठी के बगौरा में अनियंत्रित ट्रक प्राइमरी स्कूल में घुसा। रात की वजह से टल गया बड़ा हादसा, ड्राइवर को आई गंभीर चोटें, अस्पताल में चल रहा है इलाज। अमेठी के तिलोई में संपन्न हुआ समाधान दिवस, अधिकारियों ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर आग लगाई, महिलाओं को पीटने का आरोप, दो महिलाओं को आई गंभीर चोटें। मामला थाने पहुंचा, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। मोहनगंज थाने के कमई विराज गांव की घटना। अमेठी में 4 और 5 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 3 राज्यों में जीत के बाद पहली बार अमेठी आगमन पर राहुल का होगा भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं ने शुरू की तैयारी। अमेठी में 4 जनवरी को रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, गरीबों को करेंगी कंबल वितरण। अमेठी में स्मृति और राहुल के एक साथ आगमन को लेकर सियासी पारा गर्म हुआ। 2014 के चुनाव के बाद पहली बार दोनों नेता अमेठी में आमने सामने, बयानबाजी का दौर हुआ शुरू। आने वाले 2019 के चुनाव से पहले ही हो रहा है आगाज। अमेठी के मुसाफिरखाना के चित्तईपुर में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही दबंगों ने किया सामूहिक बलात्कार। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लगाया दबंगों का साथ देने का आरोप, न्याय के लिए भटक रहे हैं परिजन। आप सभी नगरवासियों, क्षेत्रवासियों और हमारे 944 की टीम को अमन पब्लिक पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अजलवासियों एवं अमेठी वासियों को हमारे पिज्जा एंड मोर की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फिरोज खान उर्फ जाबिर, वार्ड नंबर 34, जिला पंचायत प्रत्याशी सदस्य, तैयारी कर रहा हूं। अपने देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं श्री सुभाष पशुपतनाथ विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सभी अध्यापक, सभी कर्मचारी, सभी सहायक लिपिकों, छात्र एवं छात्राओं, अभिभावकों और समस्त कमेटी को नौ वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तीर्थों का राज कहे जाने वाले तीर्थराज यानी संगम प्रयागराज की पावन धरती से
मैं अनुग्रह नारायण मिश्र पूरे देशवासियों को आगामी नव वर्ष 2019 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाला वर्ष देश ही नहीं देश विदेश में रह रहे हमारे हिंदुस्तान के समस्त भाइयों के लिए बहुत ही उन्नतशील प्रगतिशील और विकासशील होगा। सच्चाई वही जो हम बताएं।